इसराइल हमास जंग से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। इसराइल के नेवाती में एयरबेस पहुंच गया है अमेरिकी विमान, हथियारों की खेप लेकर यह अमेरिकी विमान पहुंचा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि अमेरिका से गोला बारूद और हथियारों से लदा विमान इसराइल पहुंच चुका है। हालांकि इसका खुलासा नहीं किया कि अमेरिका से किस प्रकार के हथियार और किस प्रकार के सैन्य उपकरण लेकर यह विमान आया है, लेकिन यह कंफर्म है कि इस हमास को निस्तनाबूद करने के लिए विमान में हथियार और गोला बारूद आया है। जो बाइडेन की तरफ से भी अपना स्टैंड क्लियर किया गया था कि हम इसराइल के साथ हैं और हम समर्थन करते हैं इसराइल का, जो आतंकवाद है वो गलत है, उसको लेकर के कार्रवाई की जाएगी। और अब देखिए, इसी बीच इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि अमेरिका से गोला बारूद और हथियारों से लदा हुआ एक विमान इसराइल पहुंच चुका है। तो देखिए, जिस वॉर जोन में ये हथियार पहुंचे हैं, ये विमान हथियार लेकर पहुंचा है, वहीं पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। अब मैं आपको ले चलूंगा बंकर के अंदर। हर एक गाड़ी को यहाँ पर ठीक से चेक किया जाता है। यहाँ पर मेरे कैमरामैन मान आए, आपको बंकर के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि जब भी, जैसे कि मैंने बताया, एस्केलॉन पर बहुत ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक बंकर है जहाँ पर पुलिस, आर्मी या फिर जो आम नागरिक है, ये पूरी तरह से फुल प्रूफ बंकर है जहाँ पर अगर फायरिंग शुरू होती है या फिर रॉकेट दागे जाते हैं तो इसी बंकर में अंदर लोगों को आके तुरंत छूटना होता है, कोई भी हो यहाँ पर, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो। वो इसलिए क्योंकि जब आयरन डोम सिस्टम काम करना शुरू करता है तब फिर न केवल रॉकेट्स जो गाज़ा की तरफ से आ रहे हैं बल्कि आयरन डोम सिस्टम, एयर डिफेंस जो सिस्टम है, वो भी हवा में न्यूट्रलाइज करते हुए उसके डेब्री बहुत गिरते हैं और ऐसे में जान जा सकती है। और इसीलिए इस तरह से यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत रोका जा सके। एक और बड़ा अपडेट, इसराइल के हमले में हमास के कमांडर का घर तबाह हो चुका है। हमले में हमास कमांडर के पिता, भाई और बच्चों की मौत हो गई है और हमले के बाद मलबे में दबे हुए कई लोगों की भी पुष्टि हुई है। देखिए, हमास कमांडर के परिवार के कई लोगों की मौत, पूरा घर तबाह हमास के कमांडर का। बताया जा रहा है कि पिता, भाई, बच्चों की मौत हो गई है और इस हमले के बाद कई लोग मलबे में दबे हुए भी नजर आए हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसराइल की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। अब जो इसराइल है वो अटैकिंग मोड में आ चुका है पूरे तरीके से और हमले लगातार जारी हैं। और ये जो हमला हुआ है उसमें हमास के कमांडर का घर पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। हमास कमांडर के पिता, भाई और बच्चों की मौत हो गई है और इसके बाद कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। कुल मिलाकर ये तबाही का मंजर लगातार बढ़ता जा रहा है, मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है, घायलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और ये पहली तस्वीर आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए, इसराइल के हमले में जो हमास के कमांडर है उनका घर पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। हमास के जो कमांडर है उसके पिता, भाई, बच्चों की मौत हो गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।